नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी के बारे में, यानी कि यूपी टीजीटी बीजीटी के परीक्षा कार्यक्रम को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी बीजीटी के एग्जाम डेट के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, परीक्षा कैलेंडर के बारे में और शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन इडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और ऑथेंटिक जानकारी के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी बीजीटी यानी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकाली गई भर्ती को लेकर जो परीक्षा के बारे में जानकारी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि हाल ही में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक बैठक रखी गई थी, उस बैठक के अंदर भी परीक्षाओं को लेकर विचार विमर्श हुआ। बैठक के बाद में बहुत सारी चीज़ें हम निकल कर आ चुकी हैं। अगर बात की जाए टीजीटी बीजीटी का जो एग्जाम है वो कब तक देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही साथ उसकी एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, साथ ही साथ अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एग्जाम के बारे में, तो इसको लेकर भी बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। मैं आपको पहले एक एक करके जानकारी दे देता हूँ। असल में आप जानते हैं कि हाल ही में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुई बैठक के अंदर उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती को लेकर डिसीजन लिया गया था। अब इसी भर्ती के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखने के लिए मिली थी और वो ये थी कि यहाँ पे जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के, या यूँ कह सकते हैं कि नए परीक्षा नियंत्रक बनाए गए थे, उनकी भी नियुक्ति हो गई थी, लेकिन उनके कार्यभार ग्रहण न हो पाने की वजह से उनकी कहीं ना कहीं बैठक में कह सकते हैं कोई सहभागिता देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन इस बैठक के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई परीक्षाओं को लेकर। अब आपने देखा होगा टीजीटी बीजीटी को लेकर जब भी कहीं ना कहीं कोई जानकारी निकल कर आती है, चाहे वो आयोग का गठन हुआ हो या आयोग से संबंधित कोई कार्य हुआ हो, तो एग्जाम डेट को लेकर बहुत कुछ आने लग जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसी चीज़ें आने लग जाती हैं। आपने देखा ही होगा टीजीटी बीजीटी को लेकर जैसे नए आयोग के माध्यम से कुछ होता है तो सोशल मीडिया पर टीजीटी बीजीटी बारे में बहुत कुछ आने लग जाता है और अभ्यर्थी इसको लेकर काफी परेशान रहते हैं। अब अगर बात की जाए इसकी एग्जाम डेट के बारे में, तो जो संभावित तारीखें निकल कर आ गई हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को आयोजित करने के लिए पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया साइट्स पर चीजें चल रही हैं कि यह जो परीक्षा है वो आपकी मार्च में होने जा रही है। सुना होगा, इतना तो बताने की आवश्यकता नहीं है, कई जगहों पे आपको देखने के लिए मिला था। अब इसके अंदर जब मार्च में परीक्षा होने की जानकारी दी जा रही थी, तो उसके आधार पे क्या ये मार्च में परीक्षा होगी, अगर होगी तो किस तारीखों को होगी और मार्च में परीक्षा होने की रीज़न क्या है, कारण क्या है, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम आपको सटीक सही जानकारी देना है। अगर चीज़ें ऑथेंटिक होती है तो मैं अपने चैनल के आके बता देता हूं, अगर फेक होती है तो उसका मैं खंडन भी कर देता हूं। देखो जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हाल ही में बैठक की थी, उस बैठक के अंदर ये कहा गया था कि जो भी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट बनाई जा रही है उन एग्जाम डेट को इस तरीके से बनाया जाए जिससे कि कोई भी परीक्षा आपस में क्लैश ना करे, यानी कि टकराव ना हो। अब ज़्यादातर परीक्षाओं का फोकस तो यही होता है कि आप सभी के जो एग्ज़ाम देखने के लिए मिलते हैं वो संडे के दिन आयोजित किए जाते हैं। अब सबसे पहले जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा होनी है वो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, यानी कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर फिर आपकी टीजीटी पीजीटी। अब जब बैठक देखने के लिए मिलती है तो अब के मुताबिक क्या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग इस साल कोई परीक्षा करा पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, अभी तक परीक्षा कंट्रोलर शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहुँचे नहीं है। जैसे पहुंचेंगे उसके बाद उम्मीद है कि थोड़ी सी छुट्टियों का माहौल आ जाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग में। तो मैं आपको बताऊं कि अगर बात की जाए अक्टूबर महीने के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जो काम का प्रोसेस है वो काफ़ी धीमा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा फेस्टिवल वाला रहता है तो छुट्टियाँ भी ज़्यादा रहती हैं, है ना। शुरुआत से लेकर लास्ट में आते आते आप सभी देखेंगे कि इसमें छुट्टियों की भरमार होगी और ऑलमोस्ट दिवाली के बाद ही जो टीजीटी पीजीटी संबंधित प्रोसेस है वो सही मायनों में शुरू हो पाएगा, या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। यानी कि नवंबर महीने से आप सभी के जो परीक्षाओं को लेकर प्रोसेस हैं वो ज़्यादा अच्छे से शुरू हो पाएंगे। उससे पहले जो प्रोसेस चल रहे हैं, चाहे जो मीटिंगें हो रही हैं उसमें बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन काम के अगर बात की जाए तो वो शायद उतना नहीं है। तो ये वजह आप सभी के सामने निकल कर आ रही है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अक्टूबर का महीना भी ऐसे ही निकलने की उम्मीद दिख रही है, और अक्टूबर में भी ज़्यादा कुछ होता दिख नहीं था। अब अक्टूबर के साथ अगर बात कर ली जाए कि भाई नवंबर में क्या होने वाला है, क्योंकि आपकी परीक्षा भी तो होनी है। अब अगर बात कीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा के बारे में, तो जो चीज़ें निकल कर के आ रही है उसके मुताबिक उम्मीद ये मानी जा रही है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसको दिसंबर के लास्ट में, यानी कि 15 दिसंबर के बाद, है ना, दिसंबर के लास्ट में और आप सभी के जनवरी के स्टार्टिंग में आयोजित किए जाने पर विचार किया जा रहा है।
अब जब दिसंबर के लास्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती या जनवरी के स्टार्टिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी तो ये बात तो कंफर्म है कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम फिर दिसंबर में नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये आप सभी के सामने है कि जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो इस साल के लास्ट में हो सकती है या नए साल के स्टार्टिंग या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर आयोजित हो सकती है अगर कोई एग्जाम का क्लैश आपस में नहीं होगा तो। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंदर ज़्यादा आवेदन भी नहीं आए, तकरीबन 1 लाख के आसपास आवेदन है, तो परीक्षा कराना थोड़ा आसान भी है। तो ये वजह सबसे बड़ी है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की वजह से कि इस साल कोई पहली परीक्षा अगर होगी तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, अदरवाइज कोई और परीक्षा नहीं होगी, नहीं तो फिर जो परीक्षा होने जा रही है वो जनवरी में होगी। अब ये हो सकता है कि 16 दिसंबर के बाद कभी भी आपकी परीक्षा करवा ली जाए, अगर आयोग में और समय लगा तो फिर जनवरी में होगी और फिर जनवरी के बाद आपकी होगी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपको टीजीटी पीजीटी के लिए इंतजार करना होगा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा ही बहुत आगे बढ़ गई है तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो कम से कम आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा के 30 दिनों के बाद में कभी भी आपकी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम करा लिया जाएगा। लेकिन जो दिक्कत सामने आ रही है वो ये है कि कुछ परीक्षाओं की आपस में क्लैश हो सकते हैं। अब आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, है ना। तो उतनी संख्या में आवेदन होने की वजह से दिक्कत ये आ रही है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसको परीक्षा केंद्र इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। अभी आपने हाल ही में देखा होगा पीसीएस परीक्षा को लेकर भी जो परीक्षा केंद्र हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए मार्च में परीक्षा कराए जाने को लेकर बातें की जा रही हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसलिए मार्च में परीक्षा कराए जाने को लेकर जो डिस्कशन है वो किया जा रहा है। अब फाइनल मोहर कौन करेगा, फाइनल मोहर जो लगाएगा वो आपके एग्जाम कंट्रोलर होंगे और एग्जाम कंट्रोलर के आने के बाद ये तय होगा कि परीक्षा को कब तक कराना है, कितने संसाधन चाहिए, कितना समय चाहिए और किस तरीके से परीक्षा केंद्रों को अरेंज करना होगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए कम से कम 2 दिन का तो समय चाहिए और 4 पाली होनी चाहिए तभी यह परीक्षा संभव होगी। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा जनवरी में आयोजित होती है तो फिर निश्चित तौर पर फरवरी के अंदर आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाते हैं, है ना, और उसकी वजह से दिक्कत ये रहती है कि फिर परीक्षाएं फरवरी में करा पाना संभव रहता नहीं है, इसलिए फिर मार्च में होने की तरफ परीक्षाएं जाती हैं। और अगर ये परीक्षा मार्च में होती है तो 15 मार्च तक तो आप जानते हैं कोई परीक्षा संभव नहीं है, क्योंकि तब तक बोर्ड के एग्ज़ाम थोड़े बहुत चलते रहते हैं। जैसे ही वो खत्म होंगे उसके बाद में इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए 10 दिन के अंतराल में ये परीक्षाएं हो सकती हैं और दूसरी कोई परीक्षा अगर आपस में ना टकराए तो ये वजह है कि परीक्षा मार्च में कराए जाने को लेकर जो डिस्कशन है वो चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब जो फाइनल होगा वो एग्ज़ाम कंट्रोलर के आने के बाद होगा कि क्या वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को दिसंबर में करा सकते हैं। अगर वो दिसंबर में करा लें तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम 1-1.5 महीने पहले हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दिक्कतों का सामना करना होगा। ये यही वजह है कि मार्च को लेकर ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अभी ऑथेंटिक आने के लिए आपको अगली मीटिंग में अगर एग्ज़ाम कंट्रोलर आते हैं तो शायद चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होंगी। तो ये वजह थी आपकी मार्च के एग्ज़ाम को लेकर। अब मार्च में बहुत सारी तारीखें चल रही हैं कब तक ये परीक्षा हो सकती है। आमतौर पर संडे के आसपास ही आपको परीक्षाएं देखने के लिए मिलती हैं, जो संडे पड़े हैं वो 30 और 30 के आसपास हैं या 16 तारीख के आसपास है, 16, 23 और 30, ये 3 ऐसे दिन बने हैं जिनमें इन परीक्षाओं को आयोजित किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मार्च में होती है तो, और अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहता तो इस परीक्षा को दिसंबर में भी करवा सकता था, क्योंकि उनको तैयारी करने के लिए लगभग 1-1.5 महीने का समय चाहिए जो कि उनके पास मौजूद है। अक्टूबर का पूरा महीना पड़ा है, नवंबर का पूरा महीना पड़ा है, लेकिन दिक्कत ये होगी कि सडनली परीक्षा केंद्र ढूंढने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आयोग की रफ्तार तो दिख रही है लेकिन जमीनी स्तर पर अभी आयोग रेंगता दिख रहा है और यही वजह है कि इसमें समय लग रहा है। तो जो मार्च को लेकर चीज़ें चल रही हैं फिलहाल वो अभी ऑथेंटिक आने के लिए कुछ दिनों और इंतजार करना होगा, लेकिन जो रीज़न थे वो मैंने आप सभी के सामने क्लियर कर दिए। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।